गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और आज की शुरुआत पार्क से हो रही है क्योंकि हमने सोचा अभी महाराज का स्कूल खुलते ही थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे, और एज प्रॉमिस डिसिप्लिन ला चुके हैं। कल रात या कल सारा दिन जो हुआ हिंदुस्तान के साथ वो अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वेल प्लेड इंडिया, पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी खेली थी, बहुत मस्त खेली। योगा वाले भी कर रहे हैं, लेकिन योगा वाले ये हैं कि थोड़े कम हो गए हैं, थोड़ी मतलब जो जनसंख्या वो थोड़ी कम हो गई है। मैंने पूछा था तो कह रहे हैं मोबाइल में ऑनलाइन भी लगा के कर रहे हैं। थोड़ा भागने का समय आ गया, भाग के फिर चलते हैं, थोड़ी मशीन्स करेंगे। हुआ इकरार, बहुत देर से देख रहा हूँ बंदा जाना ही नहीं दे रहा है, इस लड़की को छोड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, इतना हाई पैक्ड पूरा डेढ़ महीना करीब करीब वर्ल्ड कप में सबने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ये रिजल्ट। पूरा का पूरा हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा निराशा में है इस वक्त, लेकिन मैं कहूँगा कि यार इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेली, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और खेल रहा हूँ बहुत टाइम से। आजकल नहीं खेल रहा तो मुझे पता है कि हर बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और इंडिया के प्लेयर हर बार अच्छा खेले हैं, 10 मैच लगातार 10-0, और उसके बाद अब अगर हार गए तो यार इसके अंदर मैं क्या बोलूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि बैड लक, बैड डे, कि उनका दिन नहीं था, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोल सकते कि खराब टीम है या क्रिटिसाइज करो, ऐसा भी नहीं है यार, सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ऐसी टीम है, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका था, गोल्डन चांस जैसे बोलेंगे कि जीतने का, क्योंकि इससे बढ़िया टीम कहाँ से लाओगे यार, अब तो इतनी बढ़िया टीम तो नहीं मिलेगी आपको। इतनी बढ़िया टीम थी, आने वाले टाइम में तो कोहली साहब और आपके रोहित शर्मा, जडेजा, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, तो अब पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है। फिलहाल ये बात करेंगे कि हाँ इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल तक पहुँचे अनबीटन, सीधा जाके फाइनल में हारे, कोई बात नहीं, निराशा ज़्यादा नहीं करेंगे। और मैं देख रहा था कि मेरा जो 365 डेज 365 व्लॉग्स का चैलेंज है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो ये हफ्ता लास्ट वीक होगा मेरे डेली व्लॉग्स का, उसके बाद हम करेंगे टाटा बाय बाय। तो फिलहाल टाटा बाय बाय करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अत्री साहब, आपकी फिल्म आई उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आपको अवार्ड मिला। ए झट थूक दिया मेरे हाथ पे, इतनी बढ़िया मूवी कैसे बना लेते हैं आप यार, क्या किया आपने उसमें बताओ जरा, क्या किया उसमें? मैंने कुछ किया ही नहीं, यही मैं नहीं नहीं आपकी मूवी अच्छी लगी हमें, आपकी एक्टिंग जबरदस्त, बहुत बढ़िया लगा, और आपको देखकर मजा आ रहा था, फील आ रहा था कि काश आपको डायलॉग और दिए होते, हम मिस कर रहे थे। आई एम श्योर आपको बाकी लोगों से भी यही फीडबैक आया होगा कि डायलॉग थोड़े और मिल जाते थप्पड़ मारने के अलावा, वो जो थप्पड़ आपने जबरदस्त दिया ना, हंसी भी आई थोड़ी सी। हंसा कहूँ मैं? नहीं नहीं आप नहीं हंसे, हम लोग हंस रहे थे जिस हिसाब से थप्पड़ पड़ा उसके। थोड़ा सा मुझे अपने बेटे को थप्पड़ मारने की बहुत तमन्ना थी, तो आपने एक्टिंग में मार दी वो, तो मैंने वो तमन्ना उसको समझ के, सामने समझ के, अच्छा वो तमन्ना मैंने आपने पूरी की। नाइस, कहीं ना कहीं तो करनी थी तो आपने कर दी वहाँ पर, है ना। व्हाट्सअप गाइस, आप दिल्ली तैयार हो क्या, काम है आपसे? तैयार तैयार क्या क्या मतलब है, मैं अभी तैयार ही हूँ, ऑफिस से आया हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, भर लूंगा, यही तो कह रहा हूँ, जाना 10-5 ओवर का गेम खेलेगा मेरे साथ, 8:30 तक का टाइम है, फिर काम करने जाओ यार, भाग के जाओ कुछ भाई, मेरे को अभी आया हूँ मैं ऑफिस से, तू जा रहे, अभी आया हूँ मैं, और अभी तू मेरे साथ ऐसे कर रहा है। कैसे करता बता 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 मेरा लल्लो, पढ़ पढ़ के, हाँ बॉलिंग कराई थी इसलिए, कल मेरे को बॉलिंग कराई थी ना आपने, याद है, परसों कराई थी, तो इसीलिए हो रहा होगा, शोल्डर में दर्द होने का मतलब तो वही है। कल के बाद तो आज तो खेले भी नहीं आप, आज खेले थे तो फिर शोल्डर में हो सकता है, पिलो लेके सोए थे आप गलत, उससे भी हो सकता है, बहुत ज्यादा दौड़ी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, कुछ करो ना, मच्छर को पकड़ के मारूंगा, देख कोमल की मम्मी को मच्छर से बचा लो, कोमल के मम्मी के लिए मच्छर के लिए नहीं आया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लेके आइए मार्टिन।